एक्सप्लेन करूंगी इसी मूवी का पार्ट टू। इसमें सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं लेकिन स्टोरी लाइन कुछ मिलती जुलती है। तो इस मूवी के पार्ट में कैटी को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छी लड़की होती है और एक कॉफी शॉप में काम किया करती थी, लेकिन वो मॉडल बनना चाहती थी और ये बात वो अपनी दोस्त को भी बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम अपना शूट करवाओ। तभी कैटी वहाँ पर एक एड देखती है और वहाँ का नंबर नोट कर लेती है। कैटी जब घर आती है उनका पीस देखने लगती है जो उन्हें काफी अच्छा लगता है और अट्रैक्ट करता है। तो कैटी उस नंबर पर कांटेक्ट करती है और उनको अपनी फोटोग्राफ भेजती है एक पोर्टफोलियो के तौर पर। तो इसकी पिक्चर उन लोगों को पसंद आ जाती है और वो इसे कहते हैं कि सुबह 10 बजे हमारे स्टूडियो आ जाना। अब अगली सुबह केटी वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक और शूट हो रहा होता है जो कि काफी अजीब तरीके से हो रहा था। इतनी ही देर में केटी वहाँ 3 लड़कों से मिलती है जो कि आपस में भाई थे। एक का नाम इवान था, एक कर्ली बालों वाला लड़का था और एक और इनका भाई था। अब कैटी अपने साथ कुछ कपड़े भी लाई थी। इवान उससे कहता है कि इनमें से एक प्यारे से कपड़े पहन लो, लेकिन जब कैटी वो ड्रेस पहनती है तो इवान इतना ज्यादा खुश नहीं दिखता और उससे कहता है इससे भी छोटा ड्रेस पहनो। लेकिन कैटी अच्छी लड़की, वो सिर्फ एक मॉडल बनने के लिए इतना गिर नहीं सकती थी, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसने अपने दिल से भी निकाल दिया था कि वो मॉडल भी नहीं बनेगी। अगले दिन जब वो जॉगिंग पर जा रही होती है और फिर अपने घर वापिस आती है तो उसके डोर पर कोई नोक करता है और ये वही काय था, वही कर्ली बालों वाला आदमी यानी इवान का भाई। वो उसे USB देता है और कहता है कि इसमें आपकी पिक्चर्स हैं। तो कैटी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। वो कर्ली बालों वाला लड़का कहता है फिकर नहीं करें, हमने इसे अपने पास से डिलीट कर दिया है ताकि आपको बुरा ना लगे, या आपकी पिक्चर्स हैं आप इसे देख सकती हैं। तो केटी वो USB ले लेती। अब रात में हमें वही कर्ली बालों वाला लड़का दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे और खामोश कमरे में केटी की उन्हीं पिक्चर्स की तरफ देख रहा होता है। इनको उसने डिलीट नहीं किया था। दूसरी तरफ रात में जब केटी अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकने जाती है, उसी चीज का फायदा उठाते हुए वो कर्ली बालों वाला लड़का उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। केटी को कुछ पता नहीं चलता और वो सो जाती है और इस चीज को नोटिस ही नहीं करती। रात को उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वही कर्ली बालों वाला लड़का उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो उसे रोकती है और एक चीज से उसके फेस को डैमेज करती है। वो एक लेजर टाइप मशीन होती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, लेकिन कर्ली बालों वाला लड़का उसके मुंह को कवर कर लेता है और उसे अंदर की तरफ घसीटता है। उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसे मारता है, उसे किक्स मारता है और उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा डालकर उसे चुप रहने का कहता है और उसके हाथ पीछे की तरफ करके उन्हें बांध देता है और फिर से उस बिचारी को टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इन केटी की आवाज सुनकर वहाँ पर एक नेबर आ जाता है, लेकिन कर्ली बालों वाला लड़का उसके पेट मल्टीपल टाइम्स स्टैब करके उसे मार ही डालता है। यानी उसने यहाँ पर एक जान ले ली थी और कुछ पता नहीं कि वो केटी के साथ भी क्या करता। उसके बाद उसके फेस को नाइफ से इंजर्ट करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और साथ ही अपने भाइयों को बुला, इवान और अपने दूसरे भाई को। वो लोग वहाँ पर फौरन आ जाते हैं, लेकिन इसे टांगने की बजाय के सारे फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करने लगते हैं और सब प्रूफ्स को भी जिनसे साबित हो इनके भाई ने ही उस आदमी का मर्डर किया है। ये नाइफ उठाते हैं और उस पर से अपने भाई के फिंगरप्रिंट्स मिटाते हुए उस पर केटी के फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं और उसे नेबर के डेड बॉडी के पास रख देते हैं ताकि ये लगे कि केटी ने इसे मारा और बाद में खुद भाग गई। इसके बाद वो लोग केटी को ड्रग्स खिलाते हैं और अपने साथ कार में कहीं ले जाते हैं। जब केटी को होश आता है तो वो देखती है इवान उसके साथ बहुत बुरा कर रहा है। इवान के बाकी भाई उसके साथ बहुत क्रीपी चीजें करने लगे, जैसे उस पर स्पिट करना,
यहाँ से सारे चले जाते हैं, लेकिन केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो बहुत टूटा हुआ फील कर रही थी। फिर वो तीनों यहाँ दोबारा आते हैं और उसे नए कपड़े देते हैं, लेकिन अब की बार केटी उस कर्ली बालों वाले लड़के के सर पर अटैक करती है और वहां से निकलकर चिल्लाती है। उसे बाहर शेरिफ और डिटेक्टिव मिलते हैं। डिटेक्टिव उसे अपने साथ ऑफिस ले आता है और लकीली ये बहुत अच्छा आदमी होता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव के ऑफिस में एक लेडी आती है और उसे कहती है कि मैं एक लेडी हूँ और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मुझे केटी से बात करने दीजिए, ये अच्छा फील करेगी। तो डिटेक्टिव उस लेडी को इजाजत दे देता है, लेकिन ये लेडी अच्छी नहीं थी, ये उन तीनों लड़कों की मदर थी। यहाँ पर केटी दोबारा से बसने वाली थी, वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। तो केटी उससे कहती है मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है। तो वो लेडी कहती है फिकर नहीं करो। आते वो किसी को कार में कॉल करती है, केटी से कहती है कि बस हम घर जा रहे हैं, उसके बाद तुम वहाँ से अमेरिकन एम्बेसी चली जा। केटी भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है और ये केटी की सबसे बड़ी गलती थी। ये लेडी इनफैक्ट उसे कर्ली बालों वाले लड़के की मदर थी और इवान की स्टेप मदर थी, यानी इवान और वो कर्ली बालों वाला लड़का आपस में सौतेले भाई थे। ये लेडी केटी को बेसमेंट में ले आती है और ये सेम वही जगह होती है जहाँ पर केटी को पहले भी रखा गया था। यहाँ पर इवान केटी को दोबारा से पकड़ लेता है और वो लेडी केटी पर स्पिट करती है। साथ ही यहाँ पर इवान का फादर भी आ जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। उसे टेसर से उसकी पूरी बॉडी पर इलेक्ट्रिकल शॉक्स देता है और बाद में उसके साथ बहुत बुरा करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इवान की मदर अपने रूम में जाती म्यूजिक लगाकर रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके साथ भी ये जबरदस्ती ही काम करवाया जा रहा था, वो भी सबके कंट्रोल में थी। अब केटी की हालत बहुत बुरी होती है, लेकिन इवान फिर भी उसे मार रहा होता है, उसे किक्स मार रहा होता है और साथ ही जमीन को खोदता है। केटी को एक बॉक्स में बंद करके जमीन के अंदर बंद कर देता है और उसकी एक ग्रेव बना देता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उस ग्रेव के अंदर एक पत्थर होता है जो कि इस बॉक्स के वजन से गिर जाता है और बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। बॉक्स खुल जाता है और लकीली केटी बाहर आ जाती है और जब वो देखती है तो ये सरफेस लाइन होती है। केटी बहुत खुश हो जाती है, उसमें थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो यहाँ का दरवाजा ढूंढने लगती है जिससे वो बाहर आ सके। वो जब दरवाजा खोलती है तो आगे से उसको चर्च मिलती है, वहाँ पर उसको एक फादर भी मिलते हैं जो कि उसकी हालत देख के उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसे खाना और गर्म कपड़े देते हैं। और वो जानते थे कि केटी इस वक्त ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगी तो वो उससे ज्यादा बात नहीं करते और उसे वहां से जाने देते हैं। अब केटी बाहर जाती है लेकिन फिर दोबारा से चर्च के अंदर आती है। फादर उसे कहते हैं मेरी बेटी क्या मैं पुलिस को बुलाऊं, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है। साथ ही बाइबल की एक वर्स पढ़ती है जिससे ये पता चल रहा था कि एनिमीज को उनकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। केटी इवान के घर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे चुरा लेती है। फिर उसके बाद अगली सुबह वो एक कॉफी शॉप पे जाती है जहाँ पर वही कर्ली बालों वाला लड़का बैठा हुआ था। तो वो देखता है कि केटी इसको तो हमने बंद किया था, ये जिंदा है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। केटी उसे सेवरेज लाइन में आ जाती है और वो कर्ली बालों वाला लड़का भी उसके पीछे। यहाँ पर केटी फुल तैयारी के साथ आई थी तो वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, यानी नाइफ से उसकी पूरी बॉडी पर कट्स लगाती है जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। अब दूसरी तरफ बार में इवान के दूसरे भाई के पास आती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, उसे और ड्रिंक करने का कहती है जिससे उसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है तो वो वॉशरूम जाता है। लेकिन केटी उसके पीछे जाके पहले तो उसे वॉशरूम में बंद करती है, फिर उसके बाद वो दरवाजा खोल के उसका सर टॉयलेट में घुसा देती है और उसका स्मेल से और सांस घुटने की वजह से काफी बुरा हाल होता है और वो वहीं मारा जाता है।
अब बारी थी इवान के फादर की, जिसने केटी के साथ और भी ज्यादा बुरा किया था। केटी रास्ते में उसके सर पर भी एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे उसी तरह से इलेक्ट्रिकल शॉक्स देती है जैसे उसने इसको दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करके उसकी एक वायर इसके मुंह में रखती है और जबकि दूसरी वायर आयरन बेड पर, ताकि ये करंट इतना ज्यादा हो जाए इवान का फादर चलकर मर जाए। और ऐसा ही होता है। अब केटी बेसमेंट में जाती है क्योंकि उसे उस लेडी से भी बदला लेना था, तो वो गाना गाने लगती है। तो ये आवाज सुन के लेडी भी बेसमेंट में आती है। लेडी जब देखती है कि केटी बॉक्स से बाहर आ गई है, तो वो केटी को उसी बॉक्स में धक्का दे देती है, लेकिन केटी उस बॉक्स का दरवाजा उठाकर बार बार लेडी के सर पर मारती है और उसे जख्मी कर देती है। लेडी अब तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। इतनी देर में इवान भी बेसमेंट में आ जाता है और उस सर्विस लाइन तक पहुँच जाता है। वो देखता है कि कट बालों वाला भाई बेहोश पड़ा है और उसे कैद कर लिया गया है। इतनी देर में डिटेक्टिव, जो कि सब कुछ जानता था और फादर से बातें कर रहा था, तो वो भी सर्विस लाइन तक पहुंच जाता है ताकि केटी की मदद कर सके। तो अब यहाँ पर केटी ने उस लेडी को टॉर्चर करने के लिए उसके बेटे यानी कर्ली बालों वाले लड़के को मार दिया था और अब वो इवान को भी पकड़ चुकी थी। उसके बॉडी पार्ट्स को एक प्रेसिंग मशीन में क्रश करने लगती है, लेकिन इवान अभी भी केटी को रिसिस्ट कर रहा होता है और उसका गला दुबाने लगता है। लेकिन डिटेक्टिव इवान के सर में गोली मारकर उसे मार डालता है और केटी से कहता है कि सॉरी बच्चे, मुझे चाहिए था कि मैं उसी वक्त पहले टाइम जब तुम मेरे पास आई मैं तुम्हारी मदद करता। लेकिन केटी आगे से कुछ नहीं कहती क्योंकि अब उसने सब कुछ खुद ही कर दिया था। अब केटी बाहर जाती है और एक स्माइल पास करती है। ये स्माइल बहुत ही सुकून वाली थी, उसने उन बुरे लोगों से अपना बदला ले लिया। इसी के साथ ही वो अमेरिकन एम्बेसी जाती है और वहाँ के लोगों को बताती है कि मैंने मर्डर्स किए हैं, यानी वो वहाँ सरेंडर करती है। उसे पकड़े जाने से या पनिशमेंट से कोई डर नहीं होता क्योंकि वो जानती थी कि उसने इन रेपिस्ट के साथ बहुत अच्छा किया। और यही ये मूवी एंड हो